राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अध्यक्ष पद के लिए 26 जून को 3 बजे तक नामांकन और 29 जून को नाम वापसी की जा सकेगी। जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान और दोपहर बाद 3 बजे से मतगणना सम्पन्न होगी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के चुनाव में जिले के 68 जिला पंचायत सदस्य अपनी सहभागिता प्रदान कर सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार गोरखपुर तथा समस्त उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए 11 बजे से 26 जून को नामांकन भरे जाएंगे। ये नामांकन 26 जून को 11 बजे से 3 बजे तक भरे जा सकते हैं। उसी दिन 3 बजे के बाद कार्य की समाप्ति तक जो है नामांकन पत्र की समीक्षा की जाएगी। 29 जून को 11 बजे से 3 बजे के बीच में नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा और उसी दिन 3 जुलाई को 3 बजे के बाद मतों की गिनती, तब तक जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक मतों की गिनती होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सभी गोरखपुर के 68 वार्ड के जिला पंचायत सदस्य प्रतिभाग करेंगे और उनके द्वारा जो भी वोटिंग करेंगे उसके आधार पर परिणाम घोषित होगा।